विधायक जी, बताए मंत्री जी या बताए मुख्यमंत्री जी, आपने ये भ्रष्टाचार कैसे किया, आपके कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ? ये लोकायुक्त का अधिकार है, इसलिए हम आज लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लोकायुक्त के अधिकार को समझना होगा, लोकायुक्त के पावर को समझना होगा। लोकायुक्त एक ऐसा पद है, यदि उत्तराखंड से बनने से लेकर अभी तक के किसी भी भ्रष्टाचार किया होगा तो लोकायुक्त के पास एक ऐसा अधिकार है कि आपकी एक प्रार्थना पत्र से लोकायुक्त उन मुख्यमंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर सकता है कि भाई आपके कार्यकाल में यह भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे हुआ, इसकी जवाबदारी तय कीजिए। परंतु हमारी सरकारें तो क्या भाजपा क्या कांग्रेस, हमारे जो नेता है वो भाग जाते हैं किसकी सरकार आने वाली है, वो अपना पल्ला उस ओर दे देते हैं। आपने जैसा देखा होगा उन्हें मंत्री पद चाहिए, उन्हें राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल चल जाएगा, परंतु वो प्रचंड बहुमत होना चाहिए और उन्हें मंत्री पद होना चाहिए। वो भाग जाते हैं इन चीजों को कि किसकी सरकार आने वाली है। परंतु ये उत्तराखंड की जनता को समझना होगा, जिस भ्रष्टाचार की आग में आज उत्तराखंड जल रहा है, उस आग को बुझाने के लिए, उस आग से उत्तराखंड को बाहर निकालने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। जिस भ्रष्टाचार की बात आज हर घर में हो रही है, हर माता भ्रष्टाचार की बात कर रही है, हर पिता भ्रष्टाचार की बात कर रही है, और यूकेएससी और यूकेपीएससी या उपनल या ऐसी एजेंसियों के माध्यम से छले जाने वाले अभ्यर्थी वो आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो मैं उन अभ्यर्थियों और उन माता पिता को कहना चाहूंगा कि आप इस लोकायुक्त की नियुक्ति के आंदोलन में समर्थन दीजिए, क्योंकि उस लोकायुक्त की दवा, उस लोकायुक्त पर मरहम जो इस भ्रष्टाचार पर मलहम लगा सकता है, उसकी दवा ये लोकायुक्त है, उस भ्रष्टाचार की दवा लोकायुक्त है। मैं कहना चाहूंगा कि हम 5-6 वर्षों से लगातार 2017 से ये आवाज उठा रहे थे कि यूकेएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, यूकेपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, उपनल के माध्यम से अपने सगे संबंधियों को लगा रहे हैं, वो चाहे कोई से भी विभाग में भेजने की बात हो, परंतु कोई इस बात का संज्ञान नहीं ले रहा था। हमने कई दफे आयोगों के अध्यक्ष से मुलाकात की, हमने उनके सम्मुख ये बात रखी कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप इस पद पर बैठकर, इस कुर्सी पर बैठकर मोटी सरनी ले रहे हो, परंतु आपके पास संज्ञान नहीं है। कहां प्रदेश की जांच एजेंसियां चले जाती है, कहां LIU चले जाता है, कहां विजिलेंस चला जाता है, जिन्हें ऐसा पता ही नहीं लग रहा है कि 2000 से और 2022 तक कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या सुरक्षा दे पाएंगे हमारी ऐसी एजेंसियां प्रदेश को, जिनके नाक के नीचे से 15-15, 18-18 लाख, 25-25 लाख में पेपर बिक जाते हैं। यह वही प्रदेश है जिस प्रदेश को बनाने के लिए 44 से अधिक शहादतें दी थी, जिस प्रदेश को बनाने के लिए हमारी माताओं बहनों ने रामपुर तिराहे जैसे जो अत्याचार, जो हमारी माताओं बहनों के साथ जो प्रताड़नाएं जो उन्होंने झेली है, ये वही प्रदेश है। क्या ये दिन देखने के लिए प्रदेश बनाया था? यदि लखनऊ से नीतियां तय होनी थी तो होने देते, ये प्रदेश की जरूरत नहीं थी। परंतु जब 2000 में हमें उत्तराखंड मिला है तो हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर, इस प्रदेश का मॉडल क्या है उसे देखकर यहाँ की नीतियां तय हो। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे CDS साहब थे त्रिविंदर राव जी, वो जब घड़ी कैंट में आए थे त्रिविंदर राव जी के कार्यकाल में, उन्होंने देखा कि यदि गोरखा राइफल में हमारे जो गोरखाली भाई हैं उन्हें हाइट में छूट है, तो हमारे उत्तराखंड तो पहले ही पहाड़ी प्रदेश है। अगर हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़ दिया जाए तो देहरादून का भी आधे से ज्यादा पार्ट पहाड़ी क्षेत्र है। उचे आप चक्राता देख लीजिए या जो भी पार्ट देखना है, मसूरी देख लीजिए। तो CDS साहब ने यह कहा था कि यहाँ पर भी वो लाभ मिलना चाहिए, और उन्होंने 1.70 जो हाइट लेते थे उन्होंने 1.63 हाइट कर दी थी। परंतु अभी क्या हुआ, अग्निवीर भर्ती जो परीक्षाएं हो रही है, अग्निवीर की जो भर्तियां हो रही है, उसमें उन्होंने वही नापतोल शुरू वाला कर दिया। क्या अन्याय नहीं हुई? तब जाकर सरकार महाराज ने संज्ञान लिया और लेटर लिखा, तो पर जिन्होंने जब तक वो परीक्षा दे दी थी वो तो बाहर हो गए। अगर नीतियां उत्तराखंड प्रदेश के हिसाब से नहीं बनानी है तो हमें ऐसा प्रदेश की जरूरत नहीं है।
जैसी लड़ाई उत्तराखंड बनाने के लिए रची गई, जैसी लड़ाई उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ी गई, वैसी लड़ाई आज उत्तराखंड बचाने के लिए लड़नी होगी, वैसी लड़ाइयां रचनी होगी, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। हम कहना चाहते हैं, हमने सरकार से रिक्वेस्ट की कि धांधली हुई है, आप इसकी जांच करिए। यह अप्रैल का मामला है, 7 अप्रैल को रिजल्ट निकल गया था। 7 अप्रैल को हमने, 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर हमने कहा, मुख्यमंत्री साहब इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, आप इस पर कार्रवाई करिए, परंतु मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमने मुख्यमंत्री आवास पूछ किए, हमने सचिवालय जगह जाकर माफियाओं को और बहुत अच्छी कार्रवाई करके लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है, परंतु हमें जो शुरू में डर था, वही आज होने वाला है। आज डीजीपी महोदय का स्टेटमेंट अखबार में आता है कि जांच अंतिम चरण में है। अरे डीजीपी महोदय, हम ये बता देना चाहते हैं कि एस राजू जो आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस दबाव में इस्तीफा दिया कि मेरे ऊपर माफियाओं और मेरे ऊपर सफेदपोशों का दबाव है, इसलिए मैं जांच नहीं करने दे रहे। तो डीजीपी महोदय, आपने उन माफियाओं को क्या अंदर डाल दिया, या आपने उन सफेदपोशों पर कार्रवाई कर दी जिनका जिक्र एस राजू जी करना चाह रहे थे, जिनका जिक्र एस राजू जी ने करा है? इस बात का संज्ञान लेना होगा। यहाँ पर सचिवालय में बैठकर या पुलिस मुख्यालय में बैठकर कुर्सियां घिसने से नहीं काम चलेगा। 2008 से 2022 तक जितनी रैंकर्स भर्तियां हुई है, उसमें किन किन का हाथ है, सबके सामने लाएंगे। हमारे पुलिस विभाग के लोग यहाँ पर हैं, वो चाहे पुलिस कांस्टेबल या पुलिस दरोगा हो, जिन्होंने पैसे देकर या सिफारिश के आधार पर नौकरी लगाई है अपनी, विभागों के अंदर भी वो रौब झाड़ते हैं उन पर जिन्होंने मेहनत करके अपनी नौकरी निकाली है। विभागों के अंदर उनके मन मुताबिक तबादले होते हैं जिन्होंने पैसे या सिफारिश के दम पर नौकरी ली हो, पर जिन्होंने अपने मेहनत से कोचिंग में लाइब्रेरी में अपनी कलम घिसकर तैयारी करी हो विभागों के अंदर, उनका उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। हम सबके सामने खोलेंगे कौन क्या चीज है, कौन किस मिट्टी का बना हुआ है, कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये सब हम करेंगे। अभी समय नहीं है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, अंदर आग बहुत है, और ये आग जिस दिन बाहर निकलेगी, तबाह होंगे यहाँ के भ्रष्टाचारी, तबाह होंगे यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, तबाह होंगे यहाँ के भ्रष्ट नेता, और वो दिन दूर नहीं है। हम इतना हौसला रखते हैं, हम इतने वादा रखते हैं, कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो कॉलर से पकड़ के सड़क पर खींचेंगे, हम इतना वादा रखते हैं। कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सचिवालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक कोई भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, हम इतना वादा रखते हैं, यदि उत्तराखंड इस देवभूमि के साथ गलत हुआ तो कालिक पोतेंगे मुंह पर, ये ध्यान रखना। और ये संदेश